गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव टू आस्क एट लीस्ट वन और टू क्वेश्चन, सो कंपल्सरी इन एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक वन और टू क्वेश्चन विल आस्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट फंडामेंटल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट भी होता है, टॉप भी होता है और साइड भी होता है, सब अलग अलग भी होते। किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू एक ही ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू ये हुआ, टॉप व्यू ये हुआ और साइड व्यू ये हुआ। साइड व्यू जो राइट साइड है उसी को हम बोलते हैं साइड व्यू, RH इसलिए लगाए कि राइट हैंड साइड व्यू, और ये है हमारा फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। एक ही ऑब्जेक्ट में तीनों व्यू दिखाएंगे, उसी को बोलेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो हम जानेंगे फ्रंट व्यू में होता है लेंथ होगा और हाइट होगा, तो ये लेंथ है और ये हाइट है। टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है जो कि ऐसा दिखता है ऊपर देखने पर। तो टॉप व्यू में जो हम लोग देखेंगे तो हम मुझे मिलेगा लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, यानी जो ये ब्रेथ है वो ब्रेथ है और वही ब्रेथ है। तो ये ब्रेथ हुआ और ये लेंथ हुआ। साइड व्यू, ये साइड व्यू जिसको हम RHS भी छोटा सा लिखे, करने का मतलब जो राइट, ये साइड व्यू हुआ तो किस साइड है, राइट साइड है, राइट इसलिए लगाए राइट हैंड साइड व्यू, इसमें रहेगा ब्रेड और क्या रहेगा, हाइट। तो ये हो गया ब्रेड 60 और हाइट कितना है 40 है, हाइट कितना है 40 है, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट सब बराबर है। लेंथ कितना है, लेंथ 50 है। कैसे, देखिए ये लेंथ ये बराबर है, देखिए 15 30 और ये 20 50 हो गया, यहाँ ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। हाइट, ये भी हाइट है, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। ब्रेड 60 है, ये 60 तो ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। आप समझ गए होंगे, यानी तीनों व्यू एक ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे हम लोग ये फ्रंट व्यू यहाँ लगा दिए, टॉप व्यू यहाँ लगा दिए, साइड व्यू यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू यहाँ पे जोड़ दिए फ्रंट में, यानी फ्रंट व्यू वीडियो में बनता है, टॉप व्यू स्क्रीन बनता है और साइड भी वीडियो में बनता है, साइड भी क्यों बनता है। दूसरे तरीके से आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, देखिए ये फ्रंट व्यू हुआ, इसी को प्रोजेक्ट किए तो हम लोग टॉप व्यू मिला। फ्रंट व्यू में क्या होता है, तो फ्रंट व्यू में आपको होता है लेंथ और हाइट, लेंथ है 50 और हाइट कितना है 40 दिया हुआ है। टॉप व्यू में क्या आता है, ब्रेड, लेंथ और ब्रेड, लेंथ 60 और ब्रेड कितना है 50, ब्रेड 50। साइड व्यू में मुझे हम लोग को मिलेगा ब्रेड और हाइट, तो ब्रेड कितना है, ब्रेड 60 है, तो ये 60 है, हाइट 40 है। समझ गए होंगे, यानी जो हम लोग को मिलेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये फिगर मिलेगा, ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट होगा, टॉप व्यू में लेंथ और ब्रेड्थ होगा और साइड व्यू यानी RHS भी में हमको क्या होगा, ब्रेड्थ और हाइट होगा। लेंथ का 50, ब्रेड्थ का 60 और हाइट का 40 mm दिया हुआ है, ठीक है। यानी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू एक जगह जमा करेंगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। उसके लिए कुछ फंडामेंटल रूल है, थोड़ा सा
उसको आप गौर से देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। वो क्या है, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, इस लाइन में कहीं पे एक पॉइंट सोचा, तो मैंने एक पॉइंट सोचा, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये 180 डिग्री होता है, पता है। देखिए इस पॉइंट से नीचे से 30 डिग्री मेजर करेंगे और एक लाइन खींच लेंगे, जितना दूर का खींचना खींच लीजिए, और इसी पॉइंट और ये लाइन के अनुसार 30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कहने का मतलब हुआ ये 30 डिग्री है और ये भी कितना है, 30 डिग्री, वेरी सिंपल, ठीक है। इधर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री, ये बचेगा 60 डिग्री भी, आप समझ लीजिए, सॉरी 180 में आप 60 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 120 होएगा। उससे हमको कोई लेना, इसे समझने के लिए बता रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट सोचेंगे, इधर से 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री और राइट साइड से 30 डिग्री और लेफ्ट साइड से 30 डिग्री मेजरमेंट कर लेंगे। इस पॉइंट के हेल्प से आप समझ गए, फ्रंट व्यू में क्या होगा, फ्रंट व्यू में हमको मिलेगा लेंथ और हाइट, फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट मिलेगा, टॉप व्यू में लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, साइड व्यू में ब्रेथ और हाइट मिलेगा। तो ये हमारा RHS भी है, इधर क्या है फ्रंट व्यू और ऊपर क्या है टॉप व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में मुझे क्या है लेंथ और हाइट, तो लेंथ कितना है 50, तो यहाँ से यहाँ 50 मेजरमेंट के लिए यहाँ आया। हाइट कितना 40, हाइट ये 40 है, यानी बिल्कुल ये लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पर ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से। कहने का मतलब जो हाइट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से और ये लाइन खेल से 90 डिग्री पर ड्रॉ कीजिए, ये कितना है 40 है। ये तीन लाइन ड्रॉ करने का आपको कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रंट व्यू जो ये होगा हमारा, फ्रंट व्यू में कितना है लेंथ आएगा और हाइट आएगा, लेंथ 50, तो यहाँ से यहाँ 50 मेजरमेंट कर लीजिए या कट कर लीजिए। हाइट कितना है 40, हाइट तो 40 है ही, ये 40 है, ये कितना है 40 है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसके पैरेलल इधर ड्रॉ करेंगे और इधर कितना कर लेंगे 40 ले लेंगे, कितना लेंगे 40, यानी ये 40 तो ये 50 40, इस लाइन के पैरेलल लिए है, यानी हाइट के पैरेलल लिए है, ये हमारा लेंथ है 50 है, इसके पैरेलल बिल्कुल आप ले जाइए और इधर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपको क्या मिल गया, आपका फ्रंट व्यू मिल गया, क्या मिल गया फ्रंट व्यू मिल गया। टॉप व्यू के लिए कुछ नहीं, टॉप व्यू में क्या, नहीं सॉरी साइड व्यू जिसको RHS भी बोलते हैं, ब्रेथ आता है हाइट आता है, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हमें 60 है, तो यहाँ से यहाँ 60 मेजरमेंट कर लीजिए, सपोज यहाँ पे 60 आया, ये 60 है, और हाइट आता है, हाइट कितना है 40 है, तो ये 40 ऑलरेडी है ही है, बिल्कुल इसी के पैर ले जाइए ऐसे ड्रॉ कीजिए, 40 मेजरमेंट कर लिए, ये कितना है? ये 40 तो ये भी 40 और ये हमारा ब्रेथ है, ये 60 है, तो बिल्कुल इसी के ऊपर ले जाइए और इस पॉइंट से इस तरीके से जहाँ दोनों मिलेंगे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू, जिसको RHS भी बोलते हैं, साइड व्यू हो गया। टॉप व्यू के लिए बिल्कुल आसान है, ये लाइन के पैरेलल इधर ड्रॉ कीजिए और ये लाइन के पैरेलल इधर ड्रॉ कीजिए, जहाँ दोनों मिल जाएगा यही हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। इस तरीके से हम लोग ये तीनों लाइन के हेल्प से, ब्रेथ के हेल्प से और लेंथ के हेल्प से और हाइट के हेल्प से, हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बना सकते हैं। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और ये इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कीजिए बिल्कुल
और इसके पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ कीजिए, यहाँ से जहाँ पर ये हमारा टॉप व्यू मिल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग डायरेक्ट एक बार देखते हैं कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन में एक पॉइंट सोचेंगे, सोच लिया। अब नीचे से 30 डिग्री मेजरमेंट कर लेंगे। स्केल से हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है अभी पास में, मैं दूसरे जगह हूँ। 30 डिग्री और इधर से भी कितना मेजरमेंट करेंगे, 30 डिग्री। एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इधर हमारा होगा फ्रंट व्यू, इधर हमारा होगा साइड व्यू जिसको RHS भी बोलते हैं, RHS भी, और ऊपर होगा हमारा टॉप व्यू। सब कुछ को आपने बनाना है। फ्रंट व्यू में मुझे क्या क्या मिलता है, फ्रंट व्यू में मिलता है हम लोग को लेंथ और हाइट। लेंथ दिया हुआ 50 और हाइट कितना दिया हुआ 40। तो ये लेंथ हुआ और हाइट हो। अब इधर से आप चुपचाप से करेंगे, इधर से 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री मेजरमेंट कर ली। और इस पॉइंट और ये लाइन की हेल्प से बिल्कुल जो हमारा हाइट होगा 40 mm का, 40 mm मैं अंदाज से कर रहा हूँ, 40 mm का आप मेजरमेंट कर लेंगे। बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले मैंने फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते हो, तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से फ्रंट व्यू में क्या हम लोग का लेंथ होगा और हाइट होगा। लेंथ हो, लेंथ कितना 50, तो यहाँ से 50 मेजरमेंट कीजिए। ठीक है, 50 मेजरमेंट कर लिए 50 mm, और हाइट हमारा होगा 40 mm। बिल्कुल इसी हाइट के पैरेलल ले जाना आपको इस तरीके से, और 40 mm ड्रॉ करना है। कितना करना है, 40 mm, 1 1 2 3 4 ड्रॉ कर लिए। इसके पैरेलल इधर ड्रॉ किया। अब ये जो हमारा लेंथ है इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, ऐसे मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इसके पैरेलल ले जाइएगा तो हमको उसी पॉइंट पे जाके मिलेगा। इस तरीके से हम लोग का फ्रंट व्यू हो गया, इसमें कि ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ये बराबर है और ये बराबर है। फ्रंट व्यू बन गया। हम लोग को बनाना है क्या, टॉप व्यू, सॉरी साइड व्यू। साइड में कौन सा, राइट हैंड साइड है तो इसलिए RHS भी बोलते हैं। असल में साइड व्यू है, राइट साइड है इसलिए राइट हैंड साइड व्यू। उसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को। साइड व्यू हम लोग का आएगा ब्रेथ और हाइट आएगा। ब्रेथ कितना है 60, हाइट कितना है 40। तो देखिए हाइट ऑलरेडी है हम लोग को 40। बात रहा ब्रेथ की, ब्रेथ होगा 60, तो यहाँ से 60 मेजरमेंट कर लीजिए। यहाँ से 60 यहाँ पर आया। पहले तो आप क्या करें कि एक कोई भी लाइन कितना बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ 60 आया, यहाँ पर ये 60 आया, ठीक है। बिल्कुल ये हाइट के पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए। कितना करना है, ये 40 है तो 40 भी हमको 40 करना है। 1 2 3 4 ये 40, ये 40, ये 40, बिल्कुल ये इसके इसके पैरेलल लिए और इसके पैरेलल लिए, इसके पैरेलल लिए हम लोग इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर लिए। ये 40 थी, ये 40, ये हमारा 60 है। अब इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर लेंगे। इधर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक मेजरमेंट नहीं करना है, जहाँ पर मिलेगा वही हमारा हो जाएगा। ये 60 तो ये भी 60, यानी ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर ये। इस तरह से हम लोग RHS भी यानी साइड व्यू ड्रॉ कर लिए, ठीक है। साइड व्यू राइट साइड ऐसी। टॉप व्यू के लिए, टॉप व्यू हम लोग क्या मिलता है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 50 है और ब्रेथ कितना है 60 है।
देखिए ये 50, ये 50, तो ये लेंथ हो गया, ये 50, ये 50 लेंथ, और ब्रेड था ये 60। तो हम लोग को क्या मिला टॉप व्यू में, लेंथ और ब्रेड, लेंथ 50 तो लेंथ इसी के पर ले लीजिए आप, देखिए और इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, जितना बड़ा ले जाना कोई दिक्कत नहीं। ये 50 तो ये 50 और ये 60 तो इधर भी 60, बिल्कुल ये 60 के पर ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए पैरेलल, इसके मेजरमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल जाएगा यही हो जाएगा हम लोग का, ये 50 तो ये भी 50 और ये 60 तो ये भी 60। तो इस तरह से हम लोग का ये टॉप व्यू मिल गया। तो इस तरीके से ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, राइट साइड है जैसे राइट हैंड साइड व्यू, और ये टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखिए क्या क्या बन रहा है, टॉप व्यू में हम लोग को मिलेगा लेंथ और ब्रेड। लेंथ कितना है 50, तो ये 50, और ब्रेड कितना है 60, तो ये 60 ही, यानी लेंथ और ब्रेड, लेंथ और ब्रेड इस्तेमाल हो रहा है। आइए फ्रंट व्यू में देखते हैं। फ्रंट व्यू में हम लोग को लेंथ मिलेगा और हाइट मिलेगा, तो लेंथ 50 है और हाइट 40 है, तो ये लेंथ 50 हुआ और ये क्या हाइट 40, यानी हाइट और लेंथ, यानी ये लाइन और ये लाइन की हेल्प से हम लोग ये लाइन और ये लाइन बना लिए। आते साइड व्यू में, साइड व्यू में क्या आता है हम लोग को ब्रेड्थ और हाइट, तो ब्रेड्थ और हाइट, यानी इस लाइन और इस लाइन की हेल्प से हम लोग ये लाइन फॉर्मेशन किए। ये 40 इधर 40 ले लिए, बिल्कुल इसके पर और इसी के पर इधर ले लिए, इस तरह से हमको साइड व्यू मिल गया। टॉप व्यू एक बार और समझ लीजिए, टॉप व्यू में हम लोग को मिलता है लेंथ रहेगा और ब्रेड्थ रहेगा, यानी लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे, ब्रेड्थ का वैल्यू पुट करेंगे, तो लेंथ 50 है और ब्रेड्थ कितना है 60 है। तो बिल्कुल इसी के पर इधर ड्रॉ कर लिए और इसी के पैरेलल बिल्कुल इधर ले जाएंगे, ये लाइन का पैरेलल ये लाइन और ये लाइन का पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को टॉप व्यू मिल जाएगा। ओके, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आप लोग समझ गए, नहीं समझेगा तो एक बार और फिर समझ लीजिए। कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपल, 30 डिग्री इधर से लेंगे और 30 डिग्री इधर से लेंगे, इसको मेजरमेंट नहीं करेंगे लेंथ को, ठीक है। ये हो गया साइड व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का अगर वैल्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू में आएगा हम लोग को क्या आएगा, लेंथ आएगा और हाइट आएगा, तो लेंथ 50 है तो 50 ले लिए, हाइट 40 है, बिल्कुल इस पॉइंट के हेल्प से 90 डिग्री ले लिए, 90 डिग्री कितना इसका होगा तो 40 होगा, इसी के पैरेलल इधर 40 ले लेंगे और इसी के पैरेलल इस तरीके से ले जाएंगे, जहाँ पर दोनों ये 40 तो ये 40, इस तरह हम लोग फ्रंट भी ड्रॉ कर लिए। साइड साइड भी हम लोग का था ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ है 60, हाइट कितना है 40, यहाँ से यहाँ 60 मेजरमेंट किए, बिल्कुल इसी के पैरेलल हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल इसी के पैरेलल इधर ज्वाइन कीजिए, ये 60 और ये 40। अब इसके पर इधर ज्वाइन कीजिए और इसके पर इधर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर दोनों मिलेंगे हम लोग को ये टॉप व्यू मिल जाएगा, बहुत आसान है।